विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम तय करने में यहां पर पार्टियां जुट गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची को लेकर कहा कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, बीजेपी हमारी एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। हमने अपने सभी प्रत्याशियों की सूची लाने के लिए, पैनल बनाने के लिए प्रदेश के प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भेजा था। उनके पैनल आ गए हैं। जिले के पदाधिकारियों से अभी हमारी सभी लोगों ने, हमारे प्रभारी जी ने, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने पूरा फीडबैक लिया है। सब जिले के लोगों से मिले हैं और अब जल्दी हमारी कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी के बाद प्रदेश की समिति में इसकी चर्चा होगी और प्रदेश की समिति में चर्चा होने के बाद वो सारे के सारे नाम जो आएंगे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से जो तय सीमा है उस तय सीमा में सबके नाम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.